बरेली थाना बिथरी चैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गौकशी को रोकने व उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए रात्रि गश्त की जा रही थी, तो लगभग सुबह के 4:25 पर पूर्णापुर मोड़ पर 3 व्यक्ति जो कि एक गाय को खींचकर ले जा रहे थे, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो जान से मारने की नीयत से उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। इसमें पुलिस द्वारा नजदीक से नजदीक पहुंचकर व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश में जवाबी कार्यवाही में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान आरिफ पुत्र रहीस निवासी भूड़ा थाना भोजीपुरा जिला बरेली के रूप में हुई तथा इसके दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। 11 फरवरी 2023 को थाना बीकरी चैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गौकशी को रोकने और उसको नियंत्रण करने के लिए प्रभावी फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त की जा रही थी, तो तकरीबन सुबह 4:30 पूर्णापुर मोड़ पर 3 व्यक्ति जो कि एक गाय को खींचकर ले जा रहे थे, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उन व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की गई और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए 2 व्यक्ति उसमें से फरार हो गए और 1 व्यक्ति को पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है, जिसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार हुए व्यक्ति का नाम आरिफ है, जो कि बूढ़ा थाना भोजीपुरा का निवासी है। इस पर विगत में भी 3 गौकशी के मुकदमे पंजीकृत है और अग्रिम कार्रवाई इस सारे प्रकरण में की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।